आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अच्छे दिन के झूठे वादों के चक्कर में मैंने इन्हें वोट दिया था। इतने बुरे दिन आएंगे सपने में भी नहीं सोचा था। महंगाई और नोटबंदी ने तो हमारे व्यापार को बर्बाद कर दिया। बरसों से पेट काटकर सबसे छुपाकर पाई पाई जोड़ी थी आड़े वक्त के लिए, सब कुछ छीन लिया काला धन बताकर। काला धन नहीं था हम गरीबों के पास जो लाइन में लगे थे, वो तो ठग मास्टर के इन अमीर दोस्तों के पास था जो लाइन पर भी नहीं खड़े हुए और उनके नोट भी बदल दिए गए। अब तो हर महीने जीएसटी की कठिनाई में उलझाया जाता है। अपने कुछ मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए हमारा व्यापार बर्बाद करने वाली भाजपा और इस ठग मास्टर से बच के रहना। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं LIC ऑफ इंडिया, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। बस्तर में वोटिंग से दो दिन पहले बड़ा नक्सली हमला, बीजेपी विधायक भीमा मंडावी और 5 जवान हुए शहीद। प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर तंज, कहा कांग्रेस का ढकोसला पत्र जो कह रहा है वही बात पाकिस्तान भी करता है। छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री कमलनाथ का शक्ति प्रदर्शन, कमल और नकुलनाथ ने छिंदवाड़ा से नामांकन भरा। जबलपुर में निर्वाचन आयोग के नियमों का उल्लंघन, भाजपा के 7 नेताओं के खिलाफ FIR। और आयकर को कुछ नहीं मिला प्रवीण कक्कड़ के यहां, कक्कड़ अदालत की शरण में। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से, शुरुआत बड़ी खबर से। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है। बस्तर में वोटिंग से दो दिन पहले बड़ा नक्सली हमला हुआ है। इस हमले में बीजेपी विधायक भीमा मंडावी मारे गए हैं और 5 जवान शहीद हो गए। नक्सलियों ने यह हमला नकुलनार इलाके में किया। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने भाजपा विधायक भीमा मंडावी के काफिले पर हमला कर दिया। इसमें विधायक समेत 5 जवान शहीद हो गए। बस्तर सीट पर 11 अप्रैल को मतदान से पहले नक्सलियों ने राज्य में यह बड़ा हमला कर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने का कुप्रयास किया है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि हमले में विधायक भी शहीद हो गए। बताया जाता है कि पुलिस के इनकार के बाद भी विधायक का काफिला नकुलनार क्षेत्र से गुजरा और नक्सलियों के हमले की चपेट में आ गया। जानकारी के अनुसार नक्सलियों ने एंटी लैंडमाइन से पहले ब्लास्ट किया, इसके बाद धारदार हथियारों से विधायक पर हमला कर दिया। यह हमला नकुलनाथ थाना क्षेत्र के श्यामगिरी क्षेत्र में हुआ। यह स्थान कुआकोंडा के पास है। बताया जाता है कि विधायक श्यामगिरी से जैसे ही निकले वैसे ही नक्सलियों ने उनके काफिले पर हमला कर दिया। नक्सली पहले से घात लगाकर बैठे हुए थे। शहीद जवान भीमा मंडावी के काफिले में शामिल थे। उल्लेखनीय है कि राज्य में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 11 अप्रैल को बस्तर संसदीय क्षेत्र में मतदान होना है। भीमा मंडावी बस्तर से भारतीय जनता पार्टी के एकमात्र विधायक थे। DIG पी सुंदर राज ने विधायक के निधन की पुष्टि कर दी है। नक्सलियों द्वारा किए गए धमाके में गाड़ी के 3 टुकड़े हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने लातूर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कश्मीर मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। साथ ही एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगने के लिए निशाना भी साधा। मोदी ने कहा कांग्रेस का ढकोसला पत्र जो कह रहा है वही बात पाकिस्तान भी कह रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महाराष्ट्र की धरती के शूरवीरों ने जिस प्रकार से स्वाभिमानी और शक्तिशाली राष्ट्र की कल्पना की थी आज उसी रास्ते पर भारत चल पड़ा है। राष्ट्रवाद हमारी प्रेरणा है, अंत्योदय हमारा दर्शन है और सुशासन हमारा मंत्र है। इसी भावना पर नए भारत के निर्माण के लिए हम देश के हर नागरिक की भागीदारी चाहते हैं। ये चौकीदार याद आता है और जो होना चाहिए उसकी भी जिम्मेदारी मेरे ही हिस्से में है। इसी विस्तार को विश्वास देते हुए संकल्पित भारत, सशक्त भारत बनाने का संकल्प हमने देश के सामने रखा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवादियों के अड्डे पर घुसकर मारेंगे, ये नए भारत की नीति है।
आतंक को हरा कर ही हम दम लेंगे, ये हमारा संकल्प है। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रवादियों के मन में हमने नया विश्वास जगाया है। नक्सलियों और माओवादियों से मुक्त भारत हमारा संकल्प है। हमारे 5 वर्ष की सबसे बड़ी कमाई है विश्वास। जो हुआ उसके लिए भी आपका ये चौकीदार याद आता है, और जो होना चाहिए उसकी भी जिम्मेदारी मेरी ही हिस्से में है। कांग्रेस के घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए मोदी बोले, कांग्रेस कह रही है कि हिंसा वाले इलाकों में सैनिकों को मिले विशेष अधिकार को वो वापस ले लेंगे। पाकिस्तान भी तो यही चाहता है। कांग्रेस कह रही है कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 कभी नहीं हटी। जो बात कांग्रेस का ढकोसला पत्र कह रहा है वही बात पाकिस्तान भी कह रहा है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हम देशद्रोह का कानून हटाएंगे। अरे मैं कहता हूं कि पहले दर्पण में जाकर अपना मुंह देखो। आयकर छापे के बाद मध्य प्रदेश में जहां सियासी भूचाल है, वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ ने छिंदवाड़ा विधानसभा उपचुनाव और लोकसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। कमलनाथ के विधानसभा उपचुनाव लड़ने की सूरत में खाली हुई छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी ने उनके बेटे नकुलनाथ को उम्मीदवार बनाया है। एक बड़ी रैली के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ दोनों एक साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे। नामांकन दाखिल करते वक्त पूर्व विधायक दीपक सक्सेना समेत 4 लोग बतौर प्रस्तावक मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ मौजूद थे। वहीं बेटे नकुलनाथ के प्रस्तावकों के तौर पर पूर्व विधायक जतन उइके के अलावा 4 अन्य लोग भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री की पत्नी अलका नाथ भी मौजूद रही। नामांकन दाखिल करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मध्य प्रदेश और देश के अलग अलग हिस्सों में पड़े आयकर छापों पर अपनी चुप्पी तोड़ी। कमलनाथ ने कहा कि केंद्रीय एजेंसी हमारे खिलाफ साजिश रच रही है। केंद्र हमारी सरकार को अस्थिर और बदनाम करने की साजिश रच रही है। उन्होंने कहा कि आयकर के छापे में जिस शख्स के घर से नकदी मिली है वो भाजपा का है। इससे पहले कमलनाथ ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए एक रैली निकाली जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साले संजय मसानी, सुखदेव पांसे मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने से पहले सुबह मुख्यमंत्री कमलनाथ और बेटा नकुलनाथ शिकारपुर मंदिर पहुंचे। यहाँ पूजा अर्चना करने के बाद नरसिंहपुर रोड मंदिर के पास से विशाल रैली के रूप में कलेक्टर ऑफिस पहुंचे। ये रैली छोटा तालाब, बड़ी माता मंदिर, गोलगंज, फव्वारा चौराहा होते हुए पोलो ग्राउंड पहुंची, जहां मुख्यमंत्री कमलनाथ एक आम सभा को संबोधित किया। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा में से 6 सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन था। छिंदवाड़ा के अलावा आज सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला और बालाघाट सीट के लिए भी नामांकन दाखिल किया गया। इन 6 सीटों के लिए 29 अप्रैल को मतदान होगा। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अच्छे दिन के झूठे वादों के चक्कर में मैंने इन्हें वोट दिया था। इतने बुरे दिन आएंगे सपने में भी नहीं सोचा था। महंगाई और नोटबंदी ने तो हमारे व्यापार को बर्बाद कर दिया। बरसों से पेट काटकर, सबसे छुपाकर, पाई पाई जोड़ी थी आड़े वक्त के लिए, सब कुछ छीन लिया काला धन बताकर। काला धन नहीं था हम गरीबों के पास जो लाइन में लगे थे, वो तो ठग मास्टर के इन अमीर दोस्तों के पास था जो लाइन पर भी नहीं खड़े हुए और उनके नोट भी बदल दिए गए। अब तो हर महीने GST की कठिनाई में उलझाया जाता है। अपने कुछ मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए हमारा व्यापार बर्बाद करने वाली भाजपा और इस ठग मास्टर से। इस ठग मास्टर से बच के रहना। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। 5 साल पहले आए थे हमारे खेतों तक ये लोग, बोले खेत से दुगनी कमाई होगी, 15-15 लाख रुपए आएंगे खाते में। अब किसान आदमी है, कर लिया इन पर भरोसा, दे दिया अपना वोट, और अब जब अपना हक मांगने सड़कों पर आया हूँ तब आत्मसम्मान छीन लिया इन्होंने मेरा। हमें नहीं मालूम था कि ये लोग हमारे लिए नहीं, हमारे वोट के लिए आए थे खेतों तक। विश्वास तोड़ा है इन्होंने मेरा। मेहनती किसानों को ठगने वाले इस ठग मास्टर से हम मेहनती किसानों को ठगने वाले इस ठग मास्टर से जरा बच के रहना। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, यही झूठ बोलकर मुझसे वोट लिया था इन्होंने। आज 5 साल बीतने के बाद बोलते नौकरी नहीं है, वो कहते हैं पकोड़ा तलो। सोचा था माँ बाप की देखभाल करूँगा, उनका सहारा बनूंगा, मगर बोझ बनकर रह गया हूँ सिर्फ इनकी गलत नीतियों के कारण। कुछ पूछने जाओ,
तो धिक्कार कर भगा देते हैं। इस देश के युवाओं को बेरोजगारी के दलदल में धकेलने वाली इस भाजपा सरकार से बच के रहना। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। बहुत हुई महंगाई की मार, यही बोल बोल कर मेरा वोट ले गए पिछली बार। ना महंगाई कम हुई ना मेरी तकलीफें। जब सिलेंडर 1000 रुपए का हुआ तो घड़ी देख देख के चूल्हा जलाने लगी, सिर्फ इसी उम्मीद पर कि अच्छे दिन आएंगे। बुरे वक्त के लिए एक एक पाई जोड़ रखी थी मैंने। इन्होंने नोटबंदी करके मुझे मेरे ही पैसों के लिए लाइन में खड़ा करवा दिया। आज उम्मीदें और भरोसा दोनों टूट गए। अच्छे दिनों का झांसा देने वाली भाजपा सरकार से बच के रहना। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और जबलपुर से भाजपा प्रत्याशी राकेश सिंह के नामांकन फॉर्म दाखिल करते समय निर्वाचन आयोग के नियमों का उल्लंघन करने पर भाजपा के 7 नेताओं के खिलाफ सोमवार रात FIR दर्ज की गई है। प्रत्याशी के साथ 4 प्रस्तावकों को अंदर जाने की अनुमति थी। पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान, सांसद प्रहलाद पटेल, नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव के अलावा भी कई अन्य नेता मौजूद थे। वहीं कमरे के बाहर कार्यकर्ता बाकी नेताओं को अंदर जाने के लिए नारेबाजी करते रहे। इस मामले में जिला निर्वाचन अधिकारी ने तत्काल एक्शन लिया और TI ओमती नीरज वर्मा को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। CSP शशिकांत शुक्ला और होमगार्ड कमांडेंट नीरज सिंह ठाकुर को निलंबित करने का प्रस्ताव PHQ भेजा गया है। रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय के अंदर पहले ही कई नेता पहुंच चुके थे, लेकिन बाहर कार्यकर्ता नारेबाजी करने लगे। कार्यकर्ता भाजपा नगर अध्यक्ष GS ठाकुर को अंदर कराने के लिए पुलिस कर्मियों से बहस करने लगे और नारे लगाए। पहले से ही कई नेता अंदर थे, इसीलिए पुलिस ने अन्य नेताओं को बाहर ही रोक दिया। SDM रांझी ने देर रात ओमती थाना में सांसद प्रहलाद पटेल, विधायक अशोक रूहानी, अजय विश्नोई, सुशील तिवारी, महापौर स्वाति गोडबोले, पूर्व मंत्री शरद जैन और भजुमो प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे के खिलाफ धारा 188 के तहत प्रकरण कायम किया। टू एन एक्सटेंट कई लोगों द्वारा धक्का मुक्की करते हुए जो आरोप कक्ष था उसमें 5 से ज़्यादा लोग, कुल 12 लोग उपस्थित थे, 11+1 कैंडिडेट के अलावा, और आरोप का जो चैम्बर था उसके बाहर भी लगभग 200 लोगों की भीड़ थी और उस भीड़ द्वारा कुछ नारेबाजी भी की गई। ऐसी परिस्थिति में जो 8 अन्य व्यक्ति CCTV के फुटेज के आधार पर कैंडिडेट प्लस 4 के अलावा आए हैं, उन 8 व्यक्तियों के ऊपर नामजद FIR ओमती थाने में दर्ज कराई गई है। इंदौर में मुख्यमंत्री कमलनाथ के OSD प्रवीण कक्कर के स्कीम 74 स्थित घर पर आयकर की कार्यवाही देर रात पूरी हो गई। आयकर अधिकारियों के जाते ही कक्कर बाहर आए, टूटा दरवाजा दिखाते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि टीम अनैतिक रूप से भीतर घुसी थी। हमारे यहाँ 46 घंटे जांच के बाद भी टीम कुछ नहीं गलत निकाल पाई। प्रवीण कक्कर ने बताया, हमने संपत्तियों के दस्तावेज आयकर टीम के सामने रख दिए थे। इससे पहले सोमवार दिन भर कक्कर के घर के साथ ही बाहर के तमाम ठिकानों पर अधिकारी सबूत दस्तावेज जुटाने की कोशिश में लगे रहे। दोपहर में अधिकारी प्रवीण के बेटे सलील और बहू साधना को BCM हाइट्स बिल्डिंग स्थित कंपनी थर्डाई के दफ्तर लेकर पहुंचे। कक्कड़ के स्कीम 74 स्थित घर के साथ ही उनके ऑडिटर CA राजेंद्र रांका के घर पर भी आयकर की टीम ने सोमवार को जांच जारी रखी। रांका के घर के पते पर कक्कड़ की डायरेक्टरशिप वाली एक कंपनी के रजिस्ट्रेशन की जानकारी विभाग के पास थी। कक्कड़ के घर समेत सभी जगह स्थानीय पुलिस की CIG टीम बाहर से ही छापों की निगरानी करती रही। स्कीम नंबर 74 स्थित OSD के घर के बाहर 20 से ज्यादा पुलिस जवान, ASI और पुलिस की वैन दिन रात तैनात रही। लगभग 48 घंटे मेरे घर पर रहे हैं। दिल्ली से इनकम टैक्स की टीम आई थी और रात को 3:30 बजे के आसपास इन लोगों ने मेरे घर के दरवाजों को तोड़कर अंदर घुसे हैं, जिन्हें मैं आपको दिखा भी सकता हूं। इनके 2 दिन की पूरी बारीक छानबीन के बाद भी इनको कोई भी ऐसा दस्तावेज नहीं मिला जिसको ये जब्त कर पाए, ना ही किसी प्रकार की कैश या ज्वेलरी इन्होंने मेरे यहाँ से बरामद की,
मेरे दोनों लॉकर की भी इन्होंने सर्च करी, सब कुछ करा, पर कोई भी आपत्तिजनक चीज इनको मेरे यहाँ नहीं मिली। तो इनकम टैक्स विभाग द्वारा जब ये पूछा गया कि क्या इनके यहाँ जो ज्वेलरी है उनको सभी उनके द्वारा विवरणों में बताया गया है, तो हमारा जवाब तो हमारे द्वारा ऐसा बताया गया है और हम उन वेल्टेस की रिटर्न की में कॉपीज मैंने लाके अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सौंपी है। मैं उनसे प्रवीण कक्कड़ जी के केस से संबंधित जो दस्तावेज मेरे पास थे मैंने आयकर अधिकारी को सौंप दिया। जो भी प्रवीण जी कक्कड़ के द्वारा संपत्ति अर्जित की गई है उसका पूरा का पूरा विवरण उन्होंने समय समय पर आयकर विभाग को सौंपा है, उसके ऊपर उन्होंने जो भी टैक्स ड्यू होता है उस टैक्स को नियमानुसार भरा है। इंदौर में प्रवीण कक्कर के स्कीम 74 स्थित घर पर एक युवती आई जिसे जांचकर्ताओं ने प्रिंटर सौंपा। यह युवती कौन है इसके बारे में पता नहीं चल सका है। दिल्ली के आयकर विभाग की टीम भले ही प्रवीण कक्कर और उनके बेटे सलील के यहां अघोषित आय की तलाश में दिन रात जुटी रही, लेकिन इंदौर का आयकर विभाग 2 साल पहले सलील कक्कर को बेहतर करदाता के रूप में सम्मानित कर चुका है। सीए अनिल गर्ग के मुताबिक कक्कर का नाम क्षेत्र में सबसे ज्यादा आयकर जमा करने वाले लोगों में शामिल है। इस बीच एक और बात सामने आई है कि आयकर की जांच में तमाम कंपनियों में प्रवीण कक्कर की सीधे भूमिका नहीं मिल रही है। सूत्रों के मुताबिक ओएसडी के तौर पर नियुक्ति से पहले ही कक्कर खुद को कंपनियों के बोर्ड और निदेशक के तौर पर अलग कर चुके थे। मुख्यमंत्री कमलनाथ के ओएसडी प्रवीण कक्कर के मामले में नया मोड़ सामने आ गया है। प्रवीण कक्कर और उनके बेटे सलील कक्कर की ओर से इंदौर हाईकोर्ट में आयकर विभाग की कार्रवाई के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है। इस पर सुनवाई 11 अप्रैल को होगी। प्रवीण कक्कर और उनके बेटे सलील कक्कर की ओर से दायर याचिका पर इंदौर हाईकोर्ट में स्पेशल बेंच बनी है। जस्टिस एससी शर्मा ने सुबह सुनवाई से इनकार कर दिया था, जिसके बाद जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस विवेक रूसिया की बेंच में सुनवाई हुई। इस मामले में अब अगली सुनवाई 11 अप्रैल गुरुवार को होगी। आयकर विभाग के छापे को गैर कानूनी बताने के लिए यह याचिका दायर की गई है। इसके पहले कक्कर ने घर में देर रात खत्म हुई कार्रवाई के बाद कक्कर ने यह आरोप लगाया था कि आईटी अधिकारियों की टीम अनैतिक रूप से दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी थी। करीब 2 दिन तक चली जांच के बाद भी उन्हें कुछ भी गलत नहीं मिला। हमारे सारे दस्तावेज और बैंक अकाउंट खंगालने के बाद वे चले गए। उनका आरोप है कि सीएम कमलनाथ का ओएसडी होने की वजह से उन पर यह कार्रवाई की गई है। वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। 5 साल पहले आए थे हमारे खेतों तक ये लोग, बोले खेत से दुगनी कमाई होगी, 15-15 लाख रुपए आएंगे खाते में। अब किसान आदमी है, कर लिया इन पर भरोसा, दे दिया अपना वोट, और अब जब अपना हक मांगने सड़कों पर आया हूँ तब आत्मसम्मान छीन लिया इन्होंने मेरा। हमें नहीं मालूम था कि ये लोग हमारे लिए नहीं हमारे वोट के लिए आए थे खेतों तक। विश्वास तोड़ा है इन्होंने मेरा। मेहनती किसानों को ठगने वाले इस ठग मास्टर से, हम मेहनती किसानों को ठगने वाले इस ठग मास्टर से जरा बच के रहना। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। अच्छे दिन के झूठे वादों के चक्कर में मैंने इन्हें वोट दिया था। इतने बुरे दिन आएंगे सपने में भी नहीं सोचा था। महंगाई और नोटबंदी ने तो हमारे व्यापार को बर्बाद कर दिया। बरसों से पेट काटकर सबसे छुपाकर पाई पाई जोड़ी थी आड़े वक्त के लिए, सब कुछ छीन लिया काला धन बताकर। काला धन नहीं था हम गरीबों के पास जो लाइन में लगे थे, वो तो ठग मास्टर के इन अमीर दोस्तों के पास था जो लाइन पर भी नहीं खड़े हुए और उनके नोट भी बदल दिए गए। अब तो हर महीने जीएसटी की कठिनाई में उलझाया जाता है। अपने कुछ मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए हमारा व्यापार बर्बाद करने वाली भाजपा और इस ठग मास्टर से, बच के रहना। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, यही झूठ बोलकर मुझसे वोट लिया था इन्होंने। आज 5 साल बीतने के बाद बोलते नौकरी नहीं है, वो कहते हैं पकोड़ा तलो। सोचा था माँ बाप की देखभाल करूँगा, उनका सहारा बनूंगा, मगर बोझ बनकर रह गया हूँ सिर्फ इनकी गलत नीतियों के कारण। कुछ पूछने जाओ तो धिक्कार कर भगा देते हैं। इस देश के युवाओं को बेरोजगारी के दलदल में धकेलने वाली इस भाजपा सरकार से
इस भाजपा सरकार से, भाजपा सरकार से बच के रहना। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। बहुत हुई महंगाई की मार, यही बोल बोल कर मेरा वोट ले गए पिछली बार। ना महंगाई कम हुई ना मेरी तकलीफें। जब सिलेंडर 1000 रुपए का हुआ तो घड़ी देख देख के चूल्हा जलाने लगी, सिर्फ इसी उम्मीद पर कि अच्छे दिन आएंगे। बुरे वक्त के लिए एक एक पाई जोड़ रखी थी मैंने। इन्होंने नोटबंदी करके मुझे मेरे ही पैसों के लिए लाइन में खड़ा करवा दिया। आज उम्मीदें और भरोसा दोनों टूट गए। अच्छे दिनों का झांसा देने वाली भाजपा सरकार से बच के रहना। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आयकर विभाग ने मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ के करीबी अश्वनी शर्मा के घर से बड़ी संख्या में सामान बरामद किया है। इसमें काले हिरण, बाघ और तेंदुए के सिर से बनी ट्रॉफियां भी शामिल हैं। इसके साथ ही हिरण की खाल भी बरामद की गई है। इस मामले में वन विभाग का कहना है कि अश्वनी शर्मा के खिलाफ वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है अश्वनी ने टेबल क्लॉथ की जगह हिरण की खाल बिछा रखी थी और इसके ऊपर सामान रखा हुआ था। भोपाल के प्लेटिनम प्लाजा में आयकर विभाग की कार्रवाई के दौरान सरकार के करीबी अश्वनी शर्मा के यहां से आपत्तिजनक चीजें मिली हैं। मध्य प्रदेश के वन विभाग की निगाहें भी अब अश्वनी शर्मा पर आकर टिक गई हैं। छापे के दौरान अश्वनी के फ्लैट से काले हिरण, बाघ और तेंदुए के सिर से बनी ट्रॉफियां मिली हैं। उसके यहां से एक हिरण की खाल भी बरामद की गई है जिसे अश्वनी टेबल क्लॉथ की तरह इस्तेमाल कर रहा था। इन सब को लेकर वन विभाग ने भी जांच शुरू कर दी है। वन अमले का कहना है अश्वनी का यह कृत्य गैर कानूनी है। अश्वनी के फ्लैट से बड़ी मात्रा में शराब भी मिली है। देश के सर्वाधिक नक्सल प्रभावित बस्तर लोकसभा में 11 अप्रैल को मतदान होगा। इस लोकसभा क्षेत्र के अति संवेदनशील और संवेदनशील मतदान केंद्रों के लिए मतदान दलों को हेलीकॉप्टर से रवाना किया गया है। इस इलाके में मतदान के लिए सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर जिला मुख्यालय से अधिकतम 120 किलोमीटर दूरी पर संवेदनशील मतदान केंद्र स्थित है। इन मतदान केंद्रों की संख्या 741 है। अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की संख्या 606 बतलाई गई है, जबकि राजनीतिक दृष्टि से संवेदनशील मतदान केंद्रों की संख्या 227 है। वहीं सामान्य बूथों की संख्या 305 है। बस्तर लोकसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर डॉक्टर अय्याज भाई तंबोली ने जानकारी देते हुए बताया है कि ईवीएम मशीनों की जिम्मेदारी मतदान दल और सुरक्षा कर्मियों को सौंपी गई है। नक्सलवादियों द्वारा मतदान के बहिष्कार की घोषणा के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। निर्वाचन क्षेत्र के 8 विधानसभा सेगमेंट में 11 तारीख को मतदान की कार्रवाई की जाएगी। इसमें 4 विधानसभा नारायणपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, इन 4 विधानसभाओं में सुबह 7 बजे से 3 बजे तक मतदान की कार्रवाई होगी तथा बस्तर, जगदलपुर, चित्रकूट एवं कोंडागांव विधानसभा में 7 बजे से 5 बजे तक मतदान होगा। इस हेतु आवश्यक तैयारियां की गई हैं। सुकमा और बीजापुर ज़िले में मतदान दलों की रवानगी ऑलरेडी प्रारंभ हो चुकी है। 112 मतदान दल रवाना हो चुके हैं। कल 274 मतदान दलों की तैनाती होगी और उसके पश्चात 1492 दल 10 तारीख को रवाना होंगे। हेलीकॉप्टर से होने वाली रवानगी आगामी 3 दिनों में होगी। आज भी हेलीकॉप्टर से दल रवाना हुए हैं, कल भी हुए हैं और परसों भी होंगे। ऐसे कुल 159 पोलिंग बूथ्स पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से मतदान दल जाएंगे। घोर नक्सल प्रभावित सुकमा जिले से मतदान दलों को हेलीकॉप्टर से रवाना किया गया है। 22 मतदान दल ऐसे स्थानों पर भेजे गए हैं जहां तक पहुंचने के लिए कोई भी मार्ग नहीं है। गहन जंगली पहाड़ों पर स्थित इन मतदान केंद्रों की सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग ने मतदान के लिए पूरी तैयारी कर ली है। चुनाव को लेकर की गई शिकायतों का तत्काल निराकरण किया गया है। चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि जिसका मतदाता सूची में नाम नहीं होगा वह व्यक्ति मतदान नहीं कर सकेगा। आयोग ने व्यय नियंत्रण के तहत 24,71,00,000 की कार्यवाही की है। मुख्य चुनाव पदाधिकारी बीएल कांता राव ने कहा कि चुनाव के लिए सभी तैयारियां हो चुकी हैं। कांता राव ने कहा मतदाता समय रहते अपना नाम वोटिंग लिस्ट में जुड़वा लें, क्योंकि जिसका मतदाता सूची में नाम नहीं होगा वह व्यक्ति मतदान नहीं कर सकेगा। उन्होंने कहा छापे के बारे में अभी जानकारी आ रही है,
मुख्य चुनाव पदाधिकारी बीएल कांताराव ने कहा अब तक 10 करोड़ 32 लाख रुपए का कैश मिला है। दैनिक प्रतिवेदन होते हैं जैसे व्यय नियंत्रण या लॉ एंड ऑर्डर रिपोर्ट या एमसीसी रिपोर्ट, उसके तहत ये सभी रिपोर्ट की विस्तृत जानकारी आपको दी गई है। व्यय नियंत्रण के तहत अभी तक 24 करोड़ 71 लाख का कार्रवाई की गई है, इसमें 10 करोड़ 32 लाख का कैश और लगभग 7 करोड़ का इलीगल लिकर और 3.5 करोड़ का ड्रग्स और नार्कोटिक्स और 60 लाख का सोना चांदी और अन्य जो आभूषण और लगभग 3.5 करोड़ का अन्य सामग्री, इस प्रकार 24 करोड़ 71 लाख की कार्रवाई व्यय नियंत्रण के तहत की गई। कांताराव ने बताया अभी लगभग 3 लाख लोगों की वोटर आईडी बनाई है, व्यय नियंत्रण के तहत 24 करोड़ 71 लाख की कार्यवाही की है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत 5 लाख प्रकरणों में कार्यवाही की है। उन्होंने बताया 13 लाख मतदान केंद्र पर वेब कास्टिंग और सीसीटीवी से निगरानी रखी जाएगी। वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। बहुत हुई महंगाई की मार, यही बोल बोलकर मेरा वोट ले गए पिछली बार। ना महंगाई कम हुई ना मेरी तकलीफें। जब सिलेंडर 1000 रुपए का हुआ तो घड़ी देख देख के चूल्हा जलाने लगी, सिर्फ इसी उम्मीद पर कि अच्छे दिन आएंगे। बुरे वक्त के लिए एक एक पाई जोड़ रखी थी मैंने, इन्होंने नोटबंदी करके मुझे मेरे ही पैसों के लिए लाइन में खड़ा करवा दिया। आज उम्मीदें और भरोसा दोनों टूट गए। अच्छे दिनों का झांसा देने वाली भाजपा सरकार से बच के रहना। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। 5 साल पहले आए थे हमारी खेतों तक ये लोग, बोले खेत से दुगनी कमाई होगी, 15-15 लाख रुपए आएंगे खाते में। अब किसान आदमी है, कर लिया इन पर भरोसा, दे दिया अपना वोट। और अब जब अपना हक मांगने सड़कों पर आया हूँ तब आत्मसम्मान छीन लिया इन्होंने मेरा। हमें नहीं मालूम था कि ये लोग हमारे लिए नहीं हमारे वोट के लिए आए थे खेतों तक। विश्वास तोड़ा है इन्होंने मेरा। मेहनती किसानों को ठगने वाले इस ठग मास्टर से, मेहनती किसानों को ठगने वाले इस ठग मास्टर से, हम मेहनती किसानों को ठगने वाले इस ठग मास्टर से जरा बच के रहना। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। अच्छे दिन के झूठे वादों के चक्कर में मैंने इन्हें वोट दिया था, इतने बुरे दिन आएंगे सपने में भी नहीं सोचा था। महंगाई और नोटबंदी ने तो हमारे व्यापार को बर्बाद कर दिया। बरसों से पेट काटकर सबसे छुपाकर पाई पाई जोड़ी थी आड़े वक्त के लिए, सब कुछ छीन लिया काला धन बताकर। काला धन नहीं था हम गरीबों के पास जो लाइन में लगे थे, वो तो ठग मास्टर के इन अमीर दोस्तों के पास था जो लाइन पर भी नहीं खड़े हुए और उनके नोट भी बदल दिए गए। अब तो हर महीने जीएसटी की कठिनाई में उलझाया जाता है। अपने कुछ मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए हमारा व्यापार बर्बाद करने वाली भाजपा और इस ठग मास्टर से, इस ठग मास्टर से बच के रहना। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, यही झूठ बोलकर मुझसे वोट लिया था इन्होंने। आज 5 साल बीतने के बाद बोलते नौकरी नहीं है, वो कहते हैं पकोड़ा तलो। सोचा था माँ बाप की देखभाल करूँगा, उनका सहारा बनूंगा, मगर बोझ बनकर रह गया हूँ सिर्फ इनकी गलत नीतियों के कारण। कुछ पूछने जाओ तो धिक्कार कर भगा देते हैं। इस देश के युवाओं को बेरोजगारी के दलदल में धकेलने वाली इस भाजपा सरकार से बच के रहना। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गर्मी के इस मौसम में हर कोई ठंडा पीना चाहता है, पर जरा सावधान रहें क्योंकि ये ठंडा आपकी सेहत बिगाड़ सकता है। अगर आप फ्रूटी के शौकीन हैं तो कुछ ज्यादा ही सावधान रहें।
ऐसा ना हो फ्रूटी आपको अस्पताल पहुंचा दे। मैंगो फ्रूटी फ्रेश न जूसी। अगर आप भी खुद को या अपने बच्चों को तरोताजा करने के लिए फ्रूटी पीते हैं तो जरा सावधान हो जाइए और हमारी इस खबर पर ध्यान दीजिए। जी हाँ, 10 रुपए की फ्रूटी आपको या आपके बच्चों को अस्पताल पहुंचा सकती है। मामला है जबलपुर का, जहां 12 साल की बच्ची फ्रूटी पीकर अस्पताल जा पहुंची। जबलपुर के साठिया कुआं के पास रहने वाली 12 साल की मलिका फ्रूटी पीने के बाद बीमार हो गई, जिसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उस फ्रूटी का मैंने ग्लास में निकाली तो उसके अंदर कुछ काला था। मेरे पापा ने पैकेट खोल के देखा था ना, तब उसके अंदर छिपकली वगैरह कुछ निकला। बच्चे के लिए घर में आके भी बच्चे ने मोटे गोनी लगी उसको, तो रैपर काट का फ्रूटी पीने के बाद उसका तो रैपर काटा तो फ्रूटी एकदम गंदी काली। इसी बच्ची के परिजनों का कहना है कि फ्रूटी पीने के बाद ही उसकी हालत बिगड़ना शुरू हो गई। बच्ची के पिता का कहना है मलिका पड़ोस की दुकान से फ्रूटी खरीद कर लाई थी, उसने जिस फ्रूटी को पिया है उसमें मरे हुए कीड़े भी मिले। बच्ची का इलाज कर रहे डॉक्टर का कहना है कि बच्ची ने जिस फ्रूटी को पिया है वह काफी गंदी थी, जिससे उसे फूड पॉइजनिंग हो गया है। उसको बेचैनी, घबराहट और त्रुटियों की शिकायत मिली। परिवारजनों ने बताया कि उसने फ्रूटी पी थी, फ्रूटी का डब्बा भी वो साथ में लेकर आए हैं। फ्रूटी में हो सकता है कोई विकार हो, उसके कारण उसको बेचैनी, घबराहट, त्रुटियाँ हो रही हैं। ठीक किया और अस्पताल की कार्यवाही के अनुसार MLC भेजी, मेडिकल लीगल के रिपोर्ट करते हैं वो किया, उसका स्टमक वॉश करके जो विकार पेट के अंदर गया है वो निकाल रहे हैं और उसको स्वस्थ करने का प्रयास कर रहे हैं। मलिका के परिजनों ने अभी तक इस मामले की शिकायत दर्ज नहीं करवाई है। डॉक्टर के अनुसार बच्ची की हालत स्थिर है और उसका इलाज चल रहा है। तपती गर्मी में ठंडा पानी मजबूरी जैसा, लेकिन इस मजबूरी में भी कोई भी ठंडा पेय पदार्थ पीने से पहले उसे चेक जरूर कर ले, कहीं वह आपकी सेहत बिगाड़ने वाला तो नहीं। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले नक्सलियों के गढ़ सुकमा में 34 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। सुकमा पुलिस के लिए यह बड़ी कामयाबी थी। ये नक्सली कई बड़ी घटनाओं में शामिल रहे। नक्सलवादियों की खोखली विचारधारा से तंग आकर सुकमा जिले में लगातार नक्सलवादी आत्मसमर्पण कर रहे हैं। एरावोर थाना क्षेत्र में नक्सली संगठन में सक्रिय रहे 3 महिलाओं समेत 34 माओवादियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में लौट आए हैं। सभी नक्सलवादियों ने सुकमा SP के समक्ष समर्पण किया है। पूरे एरावोर थाना के समस्त स्टाफ के द्वारा इनके अथक प्रयास से 34 माओवादियों से जुड़े लोगों का सरेंडर कराया गया है, उनको समर्पण कराया गया है। उसमें जो प्रमुख है, वर्तमान में कार्यरत था, वो माड़वी हिड़मा माड़वी हिंगा, जो डब्बा कोंटा जनताना सरकार का अध्यक्ष, उसके साथ साथ डब्बा कोंटा RPC के अंतर्गत वन विभाग का अध्यक्ष के पद पर था, जो एक भरमार बंदूक के साथ आत्मसमर्पित किया है। और 17 स्थायी वारंटी हैं तथा 16 अन्य व्यक्ति हैं। नक्सली संगठन अग्र संगठन के सदस्य थे, कुल मिलाकर के 34 लोग आत्मसमर्पण किए हैं। सुकमा पुलिस DS मरावी के नेतृत्व में लगातार माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसके दबाव के कारण लगातार नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। इन्हें छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति व प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। सरेंडर नक्सली मानिकोटा, कोंडगम, मेटागुड़ा, मराई गुड़ा क्षेत्र में कई नक्सली घटनाओं में शामिल रहे हैं। हत्यारों ने एक युवक की हत्या कर उसका शव खेत में दफन कर दिया। पुलिस को घटना के बारे में पता चला तो खेत से शव निकालकर इस मामले की जांच शुरू कर दी। हत्यारे के बारे में अभी कोई सुराग नहीं लगा है। यह मामला छतरपुर का है। छतरपुर के हरपालपुर थाना के मुडैया गांव में अज्ञात आरोपियों ने युवक की हत्या कर जमीन में दफन कर दिया। घटना उस समय पता चली जब एक खेत में शव दफन होने की जानकारी पुलिस को लगी। तत्काल पुलिस घटना स्थल पहुंची, फिर FSL और डॉग स्कॉट मौके पर पहुंचे और शव को जमीन खोदकर बाहर निकाला।
मृतक युवक की पहचान 18 वर्षीय मोहित राजपूत के रूप में हुई। वो पिछले 6 दिन से घर से लापता था। पुलिस ने मामला दर्ज कर हत्या के आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मामला ये है कि कल एक डेड बॉडी की सूचना मिली थी ग्राम मगैया में, तो सूचना पर हम लोग गए थे। जहाँ पे इसकी पहचान हुई तो इसके पिताजी ने इसको अपने लड़के के रूप में पहचाना। लड़के का नाम मोहित राजपूत है, ग्राम रगौली का रहने वाला है। अब हत्या की आशंका है। पीएम की रिपोर्ट आने के बाद और जो भी होगा सब अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कोरबा में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ निर्वाचन विभाग ने नोटिस जारी कर दिया है। इन पर बिना अनुमति के सोशल मीडिया फेसबुक पर चुनाव प्रचार करने का आरोप लगा है। कांग्रेस को 4 और बीजेपी को 5 नोटिस जारी हुए हैं। चुनाव के माहौल में बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ निर्वाचन आयोग ने नोटिस जारी किया है। निर्वाचन आयोग का कहना है कि बिना अनुमति के कांग्रेस की ज्योत्सना महंत और भारतीय जनता पार्टी के ज्योतिरिंद दुबे अपने फेसबुक आईडी पर चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस के खिलाफ 4 और बीजेपी के खिलाफ 5 नोटिस जारी किए गए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। जर्जर भोपाली आपके साथ, आपको सुनाएंगे फेरन समाचार। अच्छे दिन के झूठे वादों के चक्कर में मैंने इन्हें वोट दिया था। इतने बुरे दिन आएंगे सपने में भी नहीं सोचा था। महंगाई और नोटबंदी ने तो हमारे व्यापार को बर्बाद कर दिया। बरसों से पेट काटकर सबसे छुपाकर पाई पाई जोड़ी थी आड़े वक्त के लिए। सब कुछ छीन लिया काला धन बताकर। काला धन नहीं था हम गरीबों के पास जो लाइन में लगे थे, वो तो ठग मास्टर के इन अमीर दोस्तों के पास था जो लाइन पर भी नहीं खड़े हुए और उनके नोट भी बदल दिए गए। अब तो हर महीने जीएसटी की कठिनाई में उलझाया जाता है। अपने कुछ मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए हमारा व्यापार बर्बाद करने वाली भाजपा और इस ठग मास्टर से, बच के रहना। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। नमस्कार, भरण समाचार में आपको वेलकम कर दिया हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली। तो कल्याण भाई, तुम्हें अपनी ये चवन्नी अठन्नी संभाल के रखो, बता रहा हूँ। इनकम टैक्स वाले घूम रहे हैं, अभी छापा मार दिए थी बता रही हूँ। और रात में तड़का 3 बजे आ जाते हैं बता रही हूँ। सोते उठा लेते हैं भाई, सो रहो। आजकल भी ऐसे मच्छर उठा रहे हैं, ये भी इनकम टैक्स वाले, उनसे काम नहीं बता रही हूँ। और ये देखो, मैं अभी जो छापा लगा है 10-11 करोड़ ये केस मिला है इनको, बता रही। और मैं बता रही हूँ, ये इतनी मेहनत से पैसा काम आती है, उनको संभाल के रखो ना। ये इनके लिए खुले में क्यों रख दिया? अबे भ्रष्टाचार करने में भी मेहनत लगती है ना, ये थोड़ी काम जाता, पसीना बहाना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, संभाल के रखो भैया। और देखो इसके मजे ऐसे नेता ले रहे हैं। ये कैलाश विजयवर्गीय है जो है भाजपा के नेता, इन्होंने ट्वीट किया है कि तबादला जो एक्सप्रेस है ना डीरेल हो गई है, दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, लेकिन जान का नुकसान कुछ नहीं हुआ, माल का नुकसान हो गया। बता ऐसे ऐसे मजे ले रहे हैं। और भैया पार्टियों ने अपनी घोषणा पत्र जारी करना शुरू कर दिए हैं। पहले वचन पत्र आया था इनका कांग्रेस का, अभी इनका भाजपा का आ गया संकल्प पत्र। और ये मैं बता रहा, इसमें ये 6 का आंकड़ा बहुत पकड़ा है इन्होंने। ये आईपीएल चल रहा है ना, छक्के छक्के 6,000, ये 6,000 किसानों को दे रहे हैं, वो 6,000 मिला के 12,000 दे रहे हैं। तो 6 का आंकड़ा बहुत चल रहा है इस समय। और बता रहे हो मैं घोषणा पत्र तो ये ना, ये से लपेट लपेट के देते हैं ये बेचारे, ये जो गरीब लोग हैं ये लपेटे में आ जाते हैं बता रहे हो। और बाद में जैसे चुनाव हुआ, ये घोषणा पत्र को है ना, ये इतना पूरे 5 साल इनको पढ़ने में ही लग जाता है बता रहे हो। हाँ, और फिर रद्दी वाले, बस ये एक फायदा जरूर होता है, रद्दी वाले ले जाते हैं 1 रुपये किलो, वो भी बड़ा नखरे करते तब लेते हैं। हाँ, और ये खबर देखो, ये इधर पे फेसबुक प्रतिनिधि अब है ना आपके घर पे भी आ सकते हैं बता रहे हो। वो जल्दू पोस्ट डालना बंद कर दो बता रहे। हाँ, ये बहुत खतरनाक हो गया आजकल। और ये एक जो अपनी जो जबलपुर में भैया अच्छी खबर है, ये धनुष अपनी तोप बनी है वहाँ, जबलपुर की गन फैक्ट्री है उन्होंने बनाई है, देसी तोप है और बड़ा बड़ा गोले फेंकेगी बता रहे हो। अपने अपने मध्य प्रदेश का नाम रोशन हो रही है इसमें। हाँ, हमारी स्वदेशी तोप बनी हुई है। और चीन में भैया ऐसा नकलीपन फैला हुआ है बता रहे हो मैं। और चीनी छात्रों ने नकली आईफोन बना के है ना एप्पल को ही चूना लगा दिया। और बता रहे हो इसपे इन पे है ना विश्वास मत करो, ये पाकिस्तान बहुत विश्वास कर रहा है, इसको भी ऐसा चूना लगाएं समझ में आ जाएगा बता रहे हो। हाँ, और ये जो ट्रंप है ना, ये भुनभुनाते रहते हैं, वो कह रहे हैं कि भारत के साथ व्यापार करना मूर्खतापूर्ण कारोबार है। और बता रही हूँ मैं, तुम इतने सालों से ना दुनिया का मूर्ख बना रहे, था कुछ नहीं, हमने थोड़ा शुरू कर दिया तो ये मिर्ची लगने लगी बताओ। हाँ, ये तो चल रहा है। ओ भैया, इस बार इलेक्शन में बता रही हूँ ग्लैमर ही ग्लैमर टपक रही है। देखो हेमा मालिनी बसंती चुनाव लड़ रही है, जय प्रदा आई है, उर्मिला मातोंडकर आई है, और ये और स्मृति ईरानी बहुत पहले से है ही। बता रहे हैं इसमें ये फायदा जरूर होता है कि मनोरंजन होता रहता है ये वोटरों का। हाँ, लेकिन ये वोट के लिए इनको क्या क्या करना पड़ता है, कोई हसिया लेगा, ये फसल काट रही है, कोई कुछ मार रही है बता, ये तो काम चल रही है। और भैया ये बहुत मेरा तो यार डर लग गया मेरे को, मैं जा रहा हूँ, मेरे यहाँ इनकम टैक्स वाले नहीं आए कहीं। हाँ, मेरी चवन्नी अडनी जो रखी है,
और दूसरे मियाँ ने तो क्या है अपना जो काला धरे पीले में बदल लिया, आज सोना खरीद लिया, अब पड़े छापा पड़ जाए। नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।